After finishing the discussion of DPS 1, let's start discussion of this DPS 2, momentum and its conservation principle ki second sheet hum discuss karte hain. We have got 26 problems in the sheet. Isi samay apne doubts jo aap class mein discuss karwana chahte ho likhwa do. Please raise your doubts. Sir, 40. Haan. 40. 1-4. Yes, sir. 1-4. After that, second problem. Sir, after 16. That, 16th. I hope aapne sheet puri kar li hai. Haan. Sir. 7th. Okay, we'll discuss 7th problem. Beside that, fourth. Okay, we'll discuss fourth problem. Tenth. 11th. 21st. 28th. 28th to hai nahi isme. 24th. I'll read the problem for you. Sixth. Eight. 13. Now, start reading 14th problem. I'll discuss in the order, jis order mein is samay board par likhe hue hain, isi order mein discussion karunga. A 46 gram golf ball flies off at 1.5 times the velocity of club head that struck it. What is the mass of club head? What proportion of club head initial kinetic energy was transferred to ball? Now, this is a golf ball and this is a club head. Yaha golf stick hai aur यह गोल्फ बॉल है क्लब स्टिक वी वेलोसिटी से मूव करते हुए इस बॉल को हिट करती है मास ऑफ गोल्फ बॉल इज गिवन टू यू दिस मास इज एम एंड दिस मास इज गिवन एज 46 ग्राम्स एंड दिस गोल्फ बॉल फ्लाइज ऑफ विथ वेलोसिटी 1.5 टाइम्स The velocity of club head that struck it. ये जो club head है, v velocity से struck कर hit करता है, तो golf ball की velocity 1.5 times हो जाती है. Fly away with 1.5 times. Now what is the mass of club head? Now let's start analyzing. इसकी जो velocity है, वह v into 1.5 हो जाएगी टकराने के बाद. सबसे पहले We'll assume elastic collision. हम elastic collision assume करेंगे. हम कहेंगे club head और golf ball के बीच में elastic collision हो रहा है. और उस elastic collision की वजह से initially club head की जो भी कुछ velocity थी, club head golf ball के से टकराती है और golf ball 1.5 velocity से डालने लगती. मैं equations बनाना चालू करता हूँ. दो इक्वेशंस में ऑलरेडी जानता हूं इलास्टिक कोलेशन के लिए इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ सेकंड एक तो यह इक्वेशन हमने डिराइव कर रखी है और दूसरी मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन यह दोनों इक्वेशन में लगाता हूं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्लब स्टिक इज वी फाइनल वेलोसिटी ऑफ क्लब स्टिक इज वी डैश इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्लब गोल्फ स्टिक इज वी फाइनल वेलोसिटी इज वी डैश हमें फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गोल्फ बॉल इज जीरो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गोल्फ बॉल इज 1.5 दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन यह हमने पहली इक्वेशन बना ली हमने इलास्टिक कोलिजन में इस इक्वेशन को डिराइव कर रखा है हम दो इक्वेशन बनाएंगे अब अगली मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन
मान लीजिए क्लब स्टिक का मास कैपिटल एम है, जो हमें दिया हुआ नहीं है, हम कैपिटल एम मान लेते हैं, कैपिटल एम इंटू वी प्लस स्मॉल एम इंटू जीरो, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, कैपिटल एम इंटू वी, क्लब स्टिक की वेलोसिटी वी है, मास ऑफ गोल्फ बॉल इज स्मॉल एम, इनिशियली गोल्फ बॉल रेस्ट पर है, फाइनल मोमेंटम इज एम वी डैश प्लस स्मॉल एम इंटू 1.5 इंटू वी, फाइनली क्लब स्टिक का मास कैपिटल एम, वेलोसिटी वी डैश, फाइनली गोल्फ बॉल का मास स्मॉल एम, वेलोसिटी 1.5 वी डैश, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दे हैड गिवन। हमने जो उनकी दी हुई कंडीशन थी वह कंडीशन भी अप्लाई कर दी, हमने दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करे, एक तो क्लब हेड की फाइनल वेलोसिटी उसको हमने वी डैश से डिनोट कर दिया है और क्लब हेड का मास कैपिटल एम से डिनोट कर दिया है, जो हमें दिया हुआ नहीं है हमने उसको वेरिएबल के रूप में लिख लिया और हमने इस तरह से दो इक्वेशन बना ली। अब हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन्हें सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, पहली इक्वेशन को तो ऐसा कैसे लिखा रहने देता हूं, दूसरी इक्वेशन को कैपिटल एम से डिवाइड कर देता हूं। दूसरी इक्वेशन को यदि मैं कैपिटल एम से डिवाइड कर दूं तो वह इक्वेशन इस तरह से देखने लगेगी, वी इज इक्वल टू वी डैश प्लस पॉइंट एम बाय कैपिटल एम इंटू वी। दूसरी इक्वेशन को कैपिटल एम से डिवाइड करा तो इधर रह गया वी, यह जीरो टर्म, ऐसा कैसे इधर कैपिटल एम से डिवाइड कर दिया तो इधर बच गया वी डैश और इधर हो गया 1.5 एम वी बाय कैपिटल एम, और यह इक्वेशन वी प्लस वी डैश इज इक्वल टू 1.5 वी। नाउ लेट्स एड दिस टू इक्वेशंस, वी डैश हमने एक इंटरमीडिएट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा था, फाइनल वेलोसिटी ऑफ क्लब स्टिक, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं सॉल्व करते समय, हम इन दोनों इक्वेशन को यदि ऐड कर दें तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके कैंसिल आउट हो जाने से अब v प्लस v 2v हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर दिखने लगेगा 1.5 m बाय कैपिटल m इंटू वी प्लस 1.5 v। जरा ध्यान से देखें, v भी कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, v भी कॉमन आके कैंसिल हो गया तो इधर बचा रह गया 2 प्लस 1.5 स्मॉल m बाय कैपिटल m प्लस 1.5, यहां 1.5 टर्म इधर ले आइए तो इधर बचेगा 0.5 इंटू 1.5 स्मॉल m बाय कैपिटल m, और इधर से आ गया कैपिटल m इज इक्वल टू 3m, 3 टाइम्स स्मॉल m, और कैपिटल m इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल m, स्मॉल m की जगह 146 ग्राम्स, इट कम्स आउट टू बी 138 ग्राम्स। दिस इज द मास ऑफ क्लब स्टिक, यह क्लब स्टिक का मास आ गया। अब यदि क्लब स्टिक का मास आ गया तो धीरे धीरे करके सब कुछ सॉल्व होता चला जाएगा, हमें v डैश भी मिल जाएगा, v भी मिल जाएगा फॉर ए मास ऑफ क्लब हेड, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ क्लब हेड इनिशियल ट्रांसफर टू बॉल। अब मैं v निकाल लेता हूं, v निकालने के लिए लेट अस से हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते जाओ, इधर से v डैश इज इक्वल टू 0.5 v आ गया, v डैश इज इक्वल टू 0.5 v, दस v इसको इधर लाओ तो v डैश की जगह 0.5 v दिखने लगेगा। अब हम इस v डैश की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मासेस के साथ में और कैपिटल M की जगह 3m लिखेंगे और v डैश की जगह 0.5 v लिखेंगे, हमको
वेलोसिटी दिखने लगेगी, 3m into v is equal to v dash की जगह 3m into 0.5 v is equal to 1.5 mv. I think ये तो equation cancel हो रही है. अब मैंने proportion of initial एनर्जी पूछ रहा है, इसलिए वेलोसिटी डिटरमाइन करने की भी आवश्यकता नहीं है. हमने सिर्फ यह चीज लिख ली, इसी से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं मैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर विच वुड बी हाफ 3m into v square. This is the initial kinetic energy. Final kinetic energy आ जाएगी. Final kinetic energy is half capital M into v dash square plus small m into 1.5 v. In fact, हमको energy transferred to club ball निकालनी है, तो फाइनल एनर्जी ऑफ बॉल लिखता हूं मैं, नॉट द टोटल फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी ऑफ बॉल जो बॉल के पास है, हाफ एम इंटू 1.5 वी होल स्क्वायर. दिस इज एनर्जी ऑफ बॉल, दिस इज इनिशियल एनर्जी ऑफ क्लब हेड, हाफ मास ऑफ क्लब हेड इंटू वेलोसिटी ऑफ क्लब हेड. मास की जगह 3m, वेलोसिटी की जगह v स्क्वायर. और फाइनल एनर्जी ऑफ बॉल, बॉल के पास जो एनर्जी गई, दैट इज हाफ मास ऑफ बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉल. अब जो हमने पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू क्लब हेड, तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू क्लब हेड इज फाइनल एनर्जी ऑफ बॉल अपॉन initial energy of club head. So that fraction is equal to final energy of ball ke liye half m into 2.25 v square upon half 3m into v square. M se m cancelled, v square se v square cancelled. This fraction half se half cancelled. This fraction comes out to be 2.25 by 3 or 0.75. This much fraction of energy is transferred by club head to the ball. Club head ne itni energy ball ko transfer kar di. Language ko bade dhyan se dekhna, humne pucha kya, what proportion of club head initial kinetic energy was transferred to ball. Pehle to humne mass of club head nikal diya. फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्लब हेड के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया, जिसमें मास एम की जगह 3m, वेलोसिटी की जगह v लिखा, और फाइनल एनर्जी ऑफ बॉल की जगह हाफ मास ऑफ बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सेकेंड प्रॉब्लम. Is there any doubt here? हमको बड़े ध्यान से यह दो इक्वेशन बनाना सीख रहा है इलास्टिक कोलिजन के लिए. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, वह वाली इक्वेशन है यह, जिसको हम हमेशा ऐसे रीड करते हैं, मैं हमेशा ऐसे रीड करता हूं, इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ फर्स्ट is equal to initial plus final of second. Initial plus final of golf stick is equal to initial plus final of golf ball. Initial velocity plus final velocity. And there is the initial momentum of the system, the final momentum of the system. जो हमने variable introduce करे,
उनको कैंसिल करने के हिसाब से इक्वेशंस को जमा ली और उनको हटा के हमने मास ऑब्टेन कर लिया. सेकेंड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड. थाउजेंड केजी कार मूविंग नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड. नॉर्थ साउथ देखकर मैं इस तरह का फिगर बना लेता हूं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. अ थाउजेंड केजी कार, दिस इज अ थाउजेंड केजी कार moving north at the velocity of 20 meter per second collides with 1500 kg car moving west at 12 meter per second. This is a car, this is 1500 kg car moving west with velocity of 12 meter per second. If car is stuck together after the collision, at what velocity, in what direction does the wreckage begins to move? Now, जब मैं इस तरह से direction पर बेस्ड problem देखता हूं, जहां भी north, south, east, west लिखा हुआ देखता हूं, तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन जरूर ड्रॉ कर लेता हूं, जो कि हमेशा मैप वेब बनाते समय हम इस्तेमाल करते हैं. यह मैंने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाते हुए, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, ईस्ट वेस्ट. इंडिया का नक्शा इमेजिन कर लो, नॉर्थ में हिमालय ऊपर दिखाते हैं, साउथ में कन्याकुमारी नीचे दिखाते हैं, ईस्ट में बंगाल इस तरफ दिखाते हैं, वेस्ट में गुजरात इस तरफ दिखाते हैं. अब उन्हें कहा है एक कार नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रही है, यह कार नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रही है, थाउजेंड केजी इसका मास है, 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है. इस कार का अनदर कार मूविंग टुवर्ड वेस्ट, यह वेस्ट की तरफ ट्रेवल कर रही है, मास इज 1500 केजी, वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड. दोनों इस जगह पर आकर टकराती है, दे बोथ कोलाइड एंड दे बोथ स्टिक टूगेदर. दोनों टकराती हैं और एक दूसरे से चिपक जाती है. और फिर उन्होंने पूछा है एक दूसरे से चिपक जाने के बाद दोनों कार इनिशियली किस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से मूव करेंगी. अब हम कहते हैं द कार हैव गॉट मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, द कार हैव गॉट मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, दिस कार हैव गॉट मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. इसको एक्स एक्सिस बोल लो आप, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल लो, इट हार्डली मैटर्स. इट्स 1500 इंटू 12 प्लस 1000 इंटू 0. इस कार का मोमेंटम, मास है 1500, वेलोसिटी है 12 इस डायरेक्शन में, जबकि इस कार का मास कुछ भी हो मगर इस डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी है ही नहीं. तो मास 1000 इंटू वेलोसिटी 0, दिस इज मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर रैकेज, बिफोर कोलिजन. मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस नॉर्थ साइड को बोल लो, इसके अलोंग जो मोमेंटम है 1500 इंटू 0, इसकी वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है, 1500 इंटू 0 प्लस 1000 इंटू 20. हम कहेंगे मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज
px into I cap plus py into j cap. Momentum of system before collision in this manner. Px into I cap plus py into j cap. ध्यान रहे, momentum एक vector quantity होता है. और उस vector quantity को इस तरह से लिखा जा सकता है. This would be before collision. Before collision हम इस तरह से momentum लिख सकते हैं system का. हमारे system में दोनों ही कारें हैं. दोनों ही कार का x एक्सिस के अलावा momentum लिखा, y एक्सिस के अलावा momentum लिखा. तो px हो गया 1500 into 12 i cap plus 1000 into 20 j cap. ध्यान रहे, हमने westward x एक्सिस माना है और northward y एक्सिस माना. This is momentum before collision. अब हम कहते हैं टकराने के दौरान कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं. दोनों कार हमारा सिस्टम है. इस कार ने जो इसको फोर्स लगाया वह इंटरनल फोर्स, इस कार ने जो इसको फोर्स लगाया वह भी इंटरनल फोर्स. दोनों कार ने एक दूसरे पर कुछ भी फोर्स लगाया हो मगर वह इंटरनल फोर्स ही कहलाएगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा. इसलिए सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहना चाहिए. आफ्टर कोलिजन मोमेंटम शुड रिमेन सेम. अब दोनों कार एक साथ जुड़ चुकी है. कोलिजन के बाद दोनों कार एक साथ जुड़ चुकी है. यह जो मोमेंटम है मास m1 प्लस मास m2 इनटू वेलोसिटी वेक्टर v कहा जाएगा. दोनों का मास एक साथ हो गया. अब मास m1 की जगह मैं कर दूं 1500, मास m2 की जगह मैं कर दूं 1000. दिस इनटू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वुड बी इक्वल टू 1500 इनटू 12 i कैप प्लस 1000 into 20 j cap. This is 2500. Cancel out, cancel कर दीजिए. Velocity vector v would be 3/5, 6/5 i cap plus this is 1000 upon 2500. So 2/5, 4/5 j cap. This is a velocity vector. Yadi this is vx, vx I cap plus vy j cap means this would be the velocity component along x axis and this is the velocity component along y axis. हमसे पूछा क्या? What is the velocity? यदि हमसे velocity पूछिए, magnitude of velocity पूछिए, तो magnitude of velocity होएगी under root of. Root of. हाँ जी. 1500 into 12. हाँ, 1500 into 12. तो मैं क्या लिखूँ इधर जरा बताएंगे please मुझको. 1500 into 12 में क्या हो जाएगा? This would become 3/5, 36/5 और इधर हो जाएगा 40/5. So the velocity would become 36/5 whole square plus 40/5 whole square. This would be the magnitude of velocity. दोनों कार एक साथ चुपक के कुछ इस डायरेक्शन में जाने लगेंगी और यह वेलोसिटी भी होगी उसका मैग्नीट्यूड. This would be the magnitude of velocity. And in what direction does the wreckage begins to move?
किस डायरेक्शन में रैकेट मूव करने लगेगा? हम कहेंगे एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा होएगा, वेस्ट के साथ एंगल थीटा होएगा, एंड दैट एंगल थीटा वुड बी गिवन बाय टेन थीटा वुड बी वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस अपॉन वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस. वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस और वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस. दिस इज अ टेन थीटा. वी वाई इज 40 by 5 and V x is 36 by 5. So its tan theta would be 10 by 9. It's slightly greater than 45 degrees. At this angle with west, this racket would start moving. This would be the magnitude of velocity and this would be the direction of velocity. Its theta angle north of west. Theta angle north of west. Matlab west direction se north ki taraf theta angle se jayegi. Where this theta is given by this equation. Now, read the solution thoroughly. Collision, जब एक plane में हो रहा है, x axis के along momentum अलग लिखा, y axis के along momentum अलग लिखा. X एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम को पी एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम को पी वाई जे कैप. यह नेट मोमेंटम. पूरा सिस्टम सिंगल है तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट. और यह मोमेंटम होएगा एम वन प्लस एम टू इन टू वी. एम वन प्लस एम टू हमने इसलिए करा है क्योंकि दोनों कार टकराने के बाद चिपक गई है, जुड़ गई है, उन्हें दिया हुआ है यह कंडीशन. इफ कार स्टिक टूगेदर आफ्टर कोलिजन और दोनों कार एक साथ जोड़ के फिर कुछ वी वेलोसिटी से ट्रेवल करने लगेगी. इस फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम के साथ में इक्वेट कर दिया, इससे मुझको वेलोसिटी वेक्टर सीधा सीधा दिखने लगा. वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी दिखने लगा, वाई कंपोनेंट भी दिखने लगा. एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों को स्क्वायर करके एड कर दिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी. डायरेक्शन के लिए मैंने वेक्टर देख लिया, वी वाई अपॉन वी एक्स इज 10 थीटा. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग 16th प्रॉब्लम. Ball, this is a 5 kg ball moving to right at the velocity of 3 meter per second over skates and collide with 10 kg ball. This is 10 kg ball moving to right at the velocity of 2.4 meters per second. Find the velocity of two ball if coefficient of restitution is 0. Now, here we have got a problem over. In elastic collision, partially elastic collision with coefficient of restitution equal to 0.5. Here we learn how to use that equation, coefficient of restitution वाली equation कैसे इस्तेमाल करना. हम अच्छी तरह से जानते हैं इसको हम initial velocity v1 कह दें
और इसको आप इनिशियल वेलोसिटी v2 कह दें। दोनों राइट डायरेक्शन में है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हम बोल देते हैं v1 डैश और इसकी वेलोसिटी हम बोल देते हैं v2 डैश। पॉजिटिव डायरेक्शन में ही असाइन करते हैं, सॉल्व करने पर अपने आप पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में असाइन करा उसी डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव आया इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अब टकराने के बाद बॉडी वन बॉडी टू, क्यों ना सबसे पहले मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन ही बना लूं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सेज इट्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.8 इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.8 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। Velocity of separation after collision, body 2 कुछ ज्यादा velocity से move करने लगेगी, v2 dash minus v1 dash, this is velocity of separation after collision upon velocity of approach before collision. Velocity of approach before collision, before collision v1 body 1 v1 velocity से इसके करीब आ रही है और बॉडी टू v2 वेलोसिटी से दूर जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया v1 माइनस v2 3 माइनस 2.4। इस तरह से हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट अप्लाई कर दिया। अब दूसरा कंसेप्ट हमने बता रखा है मोमेंटम कंजर्वेशन। इट सेज मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के पहले मोमेंटम m इंटू v1 प्लस m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2, दिस मोमेंटम बिफोर कोलिजन 5 × 3 प्लस 10 × 2.4 इज इक्वल टू m1 v1 डैश। मैं सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जा रहा हूं, m1 इज 5 × v1 डैश प्लस 10 × v2 डैश, दिस मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। बड़ा साधारण सा प्रॉब्लम हो गया, दो इक्वेशन दिख रही हैं, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, दो लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, बड़ी आसानी से सॉल्व करा जा सकता है। इसको मैं लिख दूंगा v2 डैश माइनस v1 डैश 3 माइनस 2.4 0.6 0.48 v2 डैश माइनस v1 डैश इज इक्वल टू 0.48। और इधर मुझे इक्वेशन देखने लगी 5 से 5 सॉल्व कैंसिल हो जाएगा, v1 डैश प्लस 2 v2 डैश, v1 डैश प्लस 2 v2 डैश इज इक्वल टू इधर 3 प्लस 4.8, 3 प्लस 4.8 इज 7.8। यह दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, वी एड द टू इक्वेशंस, तो इधर दिखने लगेगा 3 v2 डैश, 3 v2 डैश इज इक्वल टू 7.8 प्लस 0.48, 8.28 मीटर्स पर सेकेंड, और v2 डैश इज इक्वल टू 8.28 अपॉन 3 मीटर्स पर सेकेंड, और v2 डैश इज इक्वल टू 2.76 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व फॉर v1 डैश,